अगर आपने मेरा स्पॉन्ज बॉब वाला ये वीडियो देखा है तो बढ़िया, क्योंकि ये गेम उस वाले से 10 गुना ज्यादा डरावना और अजीब है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो गेम की शुरुआत होती है एक इंट्रो के साथ। ये हमारे ठीक सामने है पैट्रिक। ओ तेरी, पैट्रिक नहीं पॉट्रिक, अरे बाप रे। तो हमारा पहला टास्क है कार्डबोर्ड को स्टोरेज रूम में रखना, जो हम कर रहे हैं। एंड आप देख के ही बता सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। बाल्टी के जैसे ही ये पॉटरिक हमें देखते रहता है और हम जैसे ही ये रखेंगे। Did you finish cleaning? भाई काम कर रहा हूँ। Keep cleaning up, they'll be watching. अच्छा ठीक है, साफ साफ करने दो। इसकी बातों से लग रहा है कि हम इसके कोई दोस्त नहीं बल्कि नौकर हैं। वैसे चलो इसी बात पे एक शायरी हो जाए। दूर से देखा तो मेरे दोस्त असेंबली लाइन में खड़े हैं। पैट्रिक को ब्रा पहननी चाहिए क्योंकि इसके काफी बड़े हैं। और अब ये दौड़ कर आता है। अभी अचानक पैट्रिक को मिस्टर क्रैब्स का कॉल आता है। Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick. Did you get me the guy for this? I brought it. Great. I brought the money. यहाँ इन दोनों की बातों से लग रहा है कि कुछ बेचने की बात हो रही है, पर क्या? हेलो, हेलो, हाय क्रैब, तू कितने बजे आ रहा है बे? 2 घंटे में। बढ़िया, बढ़िया। वैसे मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका क्या नाम था? वाइल्ड कैश। हाँ, वाइल्ड कैश 100% सिक्योर ऐप है भाई, और इस पे 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी है। पर भाई इसमें होता क्या है? अरे क्विज होता है भाई, सिंपली करेक्ट आंसर्स दो और बहुत पैसे कमाओ। विड्रॉवल बहुत इजी है, क्विजेस के आंसर्स देके कॉइन विन करो और उसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज करके रियल मनी में कन्वर्ट करो और अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। इतना इजी है ये। और इस ऐप को अगर अपने दोस्तों को रिफर करोगे तो उसका भी तुम्हें बोनस मिलेगा। और क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इसमें से अर्न करेंगे तो उसका भी तुम्हें 8% मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बवाल चीज है बे, पर डाउनलोड कहाँ से करें? भाई पता है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और जाके क्लिक करो। हाँ भाई जरूर। अब हम गेस्ट रूम के बेडरूम में सो जाते हैं। अचानक एक सीन हमें दिखाया जाता है जो कि काइंड ऑफ एक ड्रीम जैसा लग रहा है, पर क्या सच में? हमारा टास्क है स्पॉन्ज बॉब से बात करना। अरे अरे ये बाप रे। What are you doing here? Not under here. Go clean the kitchen. चलो किचन साफ करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। पर हमें बर्तन नहीं मांजने, बस इन चीज को उठाकर लिक्विड में फेंकना है और ये वाला भी डाल देते हैं। चलो बढ़िया। एक सेकेंड, अबे आई जस्ट वॉन्ट हाउ टू क्लीन द किचन, इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हारी इंग्लिश गलत है। तो सब साफ करने के बाद अब हमें मिलता है एक पुरस्कार।
हमारी जब आँख खुलती है तो हम अपने सामने स्पॉन्ज बॉब को देखते हैं, जिसका हुलिया देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि इसको या तो बुरी तरीके से मारा गया है या फिर इसे ड्रग्स दिया गया है। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं, पैट्रिक ने हमें भी स्पॉन्ज बॉब के साथ कैद कर दिया क्योंकि हमने उसका रास पकड़ लिया। Are you afraid of me? नहीं, मैं तुमसे डरा नहीं। What are you doing here? क्या पता भाई, चीज उठा रहा था, थप्पड़ मार दिया। वैसे तुम कब से यहाँ पे हो? 7 days. तो अभी हमें पता चला कि स्पॉन्ज बॉब लगभग 7 दिनों से कैद है, और तो और मिस्टर क्रैब्स आया है पैट्रिक से बात करने। मिस्टर क्रैब्स और पैट्रिक में कुछ बेचने की बात होती है, जो कि ऑब्वियसली ये कैदी थे। No, we'll take the full price. No! We'll take it for half the price. Okay. Come, Mr. Krabs. अब हम शांति से सब देख ही रहे होते हैं कि तभी कुछ अजीबो गरीब आवाजें और गनशॉट ने हमारा ध्यान खींच लिया। इतने में ही पागल पैट्रिक रूम में आता है और इन दोनों में कुछ अजीब खुसुर-पुसुर चलती है। वही दूसरे सेल में स्क्विडवर्ड मरा पड़ा होता है। थोड़े टाइम बाद स्पॉन्ज बॉब हमें एक चाबी देकर यहाँ से साथ में भाग जाने के लिए कहता है, जिस पर हम एग्री करते हुए सर हिलाकर आराम से सो जाते हैं। हमारी नींद खुलती है स्पॉन्ज बॉब के पैट्रिक को मोटा बोलने से, जिससे गुस्सा होकर पैट्रिक ने स्पॉन्ज बॉब को भून डाला और वो मर गया। फिर वो हमसे पूछता है, जिस पर हम ना में मुंडी हिलाते हैं, वरना ये दुद्दू मैन हमें भी ठोक देता। हम शौक में स्पॉन्ज बॉब को देख रहे होते हैं। वही दुद्दू मैन फ्लूट बजा रहा होता है, पता नहीं क्यों। अब हमारा फाइनल टास्क होता है दुद्दू मैन को खत्म करना। जैसे ही हम इस रूम से बाहर निकलते हैं, हमें नीचे जमीन पर गन पड़ा हुआ मिलता है, जिसे हम उठा लेते हैं। हॉलवे में मिस्टर क्रैब्स की बॉडी पड़ी थी और वहीं पर सोफे में सो रहा था पैट्रिक, जिसको मारने में मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर वाली फील आई। तो यही है गेम की एंडिंग। अगर आप इसका फनी गेम प्ले देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल रूप द नूब में अवेलेबल है।